बाद एक छोटे से नोटिस में आप लोग यहां आज आए, इसलिए सारे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी टीवी चैनलों के माध्यम से ये देख रहे हैं कि पंजाब में स्थिति किस प्रकार की है। जो राजनीतिक सरगर्मियां पंजाब में चल रही हैं वो वास्तविक रूप में चिंताजनक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, एक बॉर्डर स्टेट है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पंजाब में स्थिरता रहना, पंजाब की राजनीति में स्थिरता रहना ये बहुत अनिवार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जैसा कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इंस्टेबिलिटी हैज बिकम सिनोनिमस विथ कांग्रेस पार्टी। आश्चर्य का विषय है, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात वो छुट्टी मनाने चले गए थे, उसी बीच जिस प्रकार से पंजाब में सिर्फ टव्वल हुआ है, चीफ मिनिस्टर चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में, यह आज देश से छुपा नहीं, यह महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई, क्लैश ऑफ एम्बिशंस चल रहा है। कोई भी पंजाब और पंजाब के एम्बिशन के बारे में नहीं सोच रहा, ये सारे नेता अपने अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रख रहे हैं। खैर, मुझे लगता है इसमें हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुद कांग्रेस के जो आला नेता हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, वो लोग इस विषय पे अपने मन की बात को रख रहे हैं, अपनी मन की पीड़ा को रख रहे हैं, और सभी का एक राय है इसमें, एक मत है इसमें कि स्थिरता, स्टेबिलिटी और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन सारे विषयों में जो विषय बहुत गंभीर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, इन सारे विषयों में एक बात सामने आता है और वह है द फेलियर ऑफ राहुल गांधी, द कोलोजल फेलियर ऑफ राहुल गांधी। कोई साधारण नहीं, असाधारण असफलता राहुल गांधी जी का यह पंजाब के पूरे इस पर्याय से सामने आता है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पत्रकारिता और पत्रकारों पर हमला करना आरंभ किया है, यह अपने आप में दुखद है, शोचनीय है और चिंताजनक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।